हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड में जो सामाजिक विज्ञान क्लास एट्थ कक्षा आठ में बुक लगती है उसका सेकंड चैप्टर क्या है, ब्रिटिश प्रशासन नीतियां और प्रभाव। ठीक है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट लेक्चर हम आपको दे चुके हैं वीडियो में, सेकेंड है ये। तो अगर जो आप नहीं देखें तो YouTube में आके हमारे चैनल में देख सकते हैं वो वाला। तो हम इस वीडियो में आपको क्या बताएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जिससे आप आसानी से देख सकें। ठीक है, और इसको आपने जो फेयर बनाया है नोटबुक है उसमें आप नोट कीजिए तथा इसको याद करते रहिए, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं लगेगी तब तक आपको वीडियो से ही पढ़ाया जाएगा। और इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उसको उसकी फ़ोटो या पीडीएफ के रूप में आपके पास तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक बात और कि आप अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपके पास तक पहुँच जाए, अपडेट्स जो भी हो आपके पास सूचना पहुँच जाए कि वीडियो आ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था। ऑप्शन है आपके सामने 1750, 1773, 1857 और 1940 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खा नंबर। ठीक, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि अंग्रेज़ों द्वारा इसको नियामक कानून भी बोला जाता था, रेगुलेटिंग एक्ट को अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया प्रथम लिखित कानून था। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट जो था अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया प्रथम लिखित कानून था। कुछ अतिरिक्त जानकारी जो महत्वपूर्ण होंगी हम आपको बताते रहेंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन का खा गा घा आपके सामने है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आपकी हुई थी, आपका का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1784 में ईस्वी में। ठीक, 1784 ईस्वी में हुई थी। तो अब थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है आपका? थर्ड है सन 1793 में स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन है का खा गा, ये गा है तो इसको घा कर लीजिए, ये घा है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। इसको आप नोट करते चलिए अपनी फेयर में और इसको अच्छे से याद करते चलिए। ठीक है, अपने दोस्तों जो दोस्त हैं आपके एट्थ क्लास में सहपाठी हैं उनके पास शेयर कर दीजिए कि पढ़ाई हो रही है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बच्चों क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था। ठीक, 1813 में चार्टर अधिनियम, कौन सा? चार्टर एक्ट, आपका का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट पारित किया गया था। इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें चार्टर एक्ट के बारे में। तो यह अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा 1813 से क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी थी। ठीक है, मुख्यतः क्या हुआ था कि ईसाई धर्म के लिए प्रचार प्रसार जो करना था उसकी अनुमति अंग्रेज़ों द्वारा दे दी गई थी कि भारत में अब ईसाई धर्म का कोई प्रचार कर सकता है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग रिक्त स्थान को। आपके ये जो है बहुविकल्पित प्रश्न हो गए हैं, रिक्त स्थान है तो इनको हम लोग अब देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका रिक्त स्थान, क्लाइव ने क्या है, क्लाइव ने निजामत, क्लाइव ने निजामत का कार्य किस पर छोड़ा था। ठीक है, किस पर छोड़ा था, तो वो कौन थे, बंगाल के नवाब पर छोड़ा था, आपका यहाँ पर हो जाएगा बंगाल का नवाब। ठीक है, सेकंड नंबर आपके क्या है कि सन 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। तो 1772 ईस्वी में आपका बंगाल का गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। ठीक, सेकंड में क्या हो जाएगा, खालिस्तान में वारेन हेस्टिंग। और थर्ड जो है आपका उसमें, भारत में सिविल सर्विसेज की स्थापना किसने की थी। ठीक, भारत ने सिविल सर्विसेज की स्थापना की थी, आपका आप आंसर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई थी। थर्ड नंबर जो खाली स्थान है उनका आंसर होगा
लॉर्ड कार्नवालिस। और फोर्थ नंबर आपका जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और मुंबई में शुरू की गई थी, किस जगह में और मुंबई में शुरू की गई थी। तो सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका चेन्नई और मुंबई में शुरू की गई थी, मद्रास और मुंबई में, चेन्नई और मुंबई में शुरू की गई थी, ठीक। और फिफ्थ नंबर है आपका, देखिए आधुनिक डाक तार यानी संचार व्यवस्था को ने शुरू किया था, किसने शुरू किया था, आधुनिक डाक तार संचार व्यवस्था को किसने शुरू किया था, ठीक। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न को। तो हम लोग देखते हैं अब अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बच्चों। तो आपका है अति लघुत्तरी प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमिकर वसूल करने के लिए कंपनी मतलब अंग्रेजी कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को रोक के, आसानी से आपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर वीडियो को चालू करके आगे देख सकते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भूमिकर वसूल करने के लिए कंपनी ने राजा खा और सितार राय को नियुक्त, सॉरी सिताब राय को नियुक्त किया था। क्या हो जाएगा, राजा खां और सिताब राय को नियुक्त किया था, ठीक। और चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, कार्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है, ठीक। कार्नवालिस द्वारा जो सुधार किए गए थे वो उसको किस पुस्तक में लिखा गया है, ठीक। तो इसका उत्तर लिखिए, उत्तर है आपका कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को कार्नवालिस संहिता नामक, कौन सी पुस्तक है, कार्नवालिस संहिता नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अब वीडियो रोक कर आसानी से लिख लीजिए तथा फिर वीडियो को चालू करके आगे देखिए, ठीक। थर्ड नंबर चलिए देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखिए, उत्तर है महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान का भूमि पर से अधिकार समाप्त कर दिया गया था। क्या हो जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था जो थी जब वो लागू कर दी गई थी तो किसान का भूमि पर से अधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक। ये उत्तर हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज के लिए इतना ही बच्चों। अब ये जो है लघुत्तरी जो क्वेश्चन है आपके, ठीक, कौन से हैं लघुत्तरी, तो ये थोड़ा बड़े हैं तो इनकी आपकी फ़ोटो आपके पास पहुंचाई जाएगी या कि पीडीएफ के रूप में लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी किया जाएगा। वीडियो में हम नहीं बता सकते कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बताने से, तो आप ये करिए कि जो भी आपके सहपाठी हैं उनके पास भी वीडियो पहुँचाइए तथा इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर में तथा अपने नोटबुक में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए और भारत सरकार द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं इस समय उसका पालन कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाए।